जिसका अपना खुद का चैनल इंदौरिया टाइम्स के नाम से है, उसका पूरा आज एक साल हो चुका है और मुझे खुशी है कि मैं इसके उद्घाटन सत्र में पिछली बार 30 नवंबर 2018 को भी था और आज 2019 पूरे हो गए, एक साल पूरा इनको हो गया। मैं इनकी उपलब्धि से बहुत खुश हूं और ये राकेश जी वो हैं जिनको मैंने आप कोटपुतली में लाया था 1973 में, तब इनको 5 साल से देखा है और तब से निरंतर इनके संपर्क में हूं और आपकी वैभवता जो बनी है इस कार्यक्रम के माध्यम से, शुरू से लगता था कि आप बहुत होनहार हैं और आगे जाके बहुत उन्नति करेंगे। आपकी जन भावनाओं के साथ हमेशा लगाव रहा है और जो आम जन की मुसीबतें थी उनसे हमेशा आपको उठाया है, मुद्दे उठाए हैं, ध्यान में रखा है और उनको कैसे सुलझाया जाए इसका प्रयास करते रहे। मैं आपको आगे भी, मेरी कामना है कि इंदौरिया टाइम्स बहुत उन्नति करे और जो आपके जो भी आकांक्षा हैं, इच्छाएं हैं जनसेवा की, उन सबको पूर्ति करने में ईश्वर आपकी मदद करे। एक्सपेक्टेशन है मीडिया से, विशेषकर इंदौरिया टाइम्स से आम जन की, उसके बारे में भी आप आश्वस्त करें। सबसे प्रथम तो मेरा है जो शहर में बढ़ती आबादी है उसको देखते हुए अतिक्रमण के सबसे जुड़ंत समस्या है, क्योंकि जगह जगह ठेली वाले खड़े हो जाते हैं, चाहे जहां पर जो है लोग उल्टे सीधे अपने वाहन लगा देते हैं और कहीं भी पार्किंग कर देते हैं। तो एक बात तो ये कि अतिक्रमण, दूसरा पार्किंग सुविधा, कोटपुतली में कहीं किसी वाहन की पार्किंग की जगह नहीं है और टैक्सी वाली गाड़ी भी चाहे जहां खड़ी हो जाती है, शादी में जो गाड़ियां सस्ती हैं दूल्हा दुल्हन के लिए वो भी मार्केट में अंदर खड़ी होती हैं, वहीं सस्ती हैं। और तीसरी बात, जो व्हीकल मार्केटिंग करते हैं उनको भी खड़े होने की कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं पर खड़ी करके फिर आदमी अपना सामान परचेज कर सके। इससे दो समस्याएं हैं, एक तो वाहन चोरी की समस्या बहुत ज्यादा है जो कोटपुतली में बहुत ज्यादा है, और दूसरा यातायात भी व्यवस्थित नहीं होता है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है और हमारा सबका व्यर्थ बहुत ज्यादा समय होता है। तो मेन चीजें दो हैं। स्वास्थ्य में काफी ठीक है कोटपुतली, जहां तक मैं समझता हूं कई संस्थाएं स्पेशली अल्ट्राटेक के आने के बाद में कुछ सेवा कार्य भी होते हैं, रसबंदी शिविर होते हैं, स्वास्थ्य शिविर होते हैं, डायबिटीज कैंप्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। तो मैं समझती हूं ब्लड डोनेशन देखा जाए तो अपना राजस्थान के अंदर कोटपुतली प्रथम स्थान रहेगा, ये मेरा वादा है और ये मैं उम्मीद करता हूं यहां से कोई भी व्यक्ति बिना ब्लड डोनेशन के या खून के अभाव में किसी की मौत नहीं होती। 7 दशक से ज्यादा आपने कोटपुतली क्षेत्र को दिया है और आपसे क्षेत्र की क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्राइम, कोई भी चीज या कोई भी बात ऐसी आपसे अछूती नहीं रह रही है। अभी हाल ही की बात यदि हम करें तो सरेआम गोली चल जाना इस क्षेत्र में एक आम बात हो गई है। व्यापारी को गोली मार दी जाती है, किसी सड़क के ऊपर जगह ना मिलने पे गोली मार दी जाती है और फिर भी लोग दबी जुबान से ये कहते हैं कम से कम शांति तो है। आपको क्या लगता है? 1984 में जब गोलीकांड हुआ था, एक गायत्री का रेप हुआ था सुबह 4 बजे रात के अंधेरे में और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व थे, उसके बाद में हम भी उस आंदोलन से जुड़े थे और ये बीबीसी भी बोला था इस बात को कि 8 दिन तक पूरा मार्केट बंद रहा था, कहीं कोई दुकान नहीं खुली, कोई चाय की दुकान भी नहीं खुली थी जी। और बीबीसी ने बोला इस बात को, लेकिन वो आंदोलन जब से दमनकारी नीति उस पर चली है यहाँ के एमएलए जो थे उन्होंने उसमें पब्लिक का बिल्कुल साथ नहीं दिया था और 16 से 25 आदमी बीच में कोर्ट में केस चला, 25 साल तक कोर्ट केस अपना भुगतते रहे। उसके बाद में यहाँ की पब्लिक ऐसी हो गई कि कोई आंदोलन तैयार नहीं होती है, जो उनको समस्याएं होती हैं, जो बहादुर आदमी थे वो सब जेलों में गए उस समय, पेशियां भुगती और अल्टीमेटली अब जो है पब्लिक का मन इतना विचलित हो गया है कि कोई भी आदमी आंदोलन में आगे आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस की, सरकारी गोलियां चलने की और की, इसलिए सब सोचते जो कुछ होता है उसको होने दो। तो ये ज्यादा सहन शक्ति थी लोगों में कि कोई भी अनाधिकार चेष्टा करता था उसके खिलाफ बोलते थे, कोई अनैतिक काम होता था उसके खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब कोई दबी जवान से सोच तो लेता है मन में बाकी बोल नहीं पाता है।
धन्यवाद। माना कि मीडिया अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खोता चला जा रहा है और दलगत बड़े बड़े नेता इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि मीडिया के पास वो स्वतंत्रता नहीं रह गई है, लेकिन बावजूद उसके मैं यहाँ इस बात की पहल हमेशा करता रहा हूँ, आखिर पब्लिक की मीडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है जिस पर यदि मीडिया खरा उतरे तो निश्चित रूप से कड़ी जुड़ेगी। और संकल्प विकास का जब साथ हो आपका, जो कि कोटेशन है इंदौरिया टाइम्स का, वो निश्चित रूप से सार्थक साबित होगा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है पब्लिक मीडिया से, उस पर भी आप अपने दो विचार व्यक्त करें। किसी भी जगह या कोई भी स्थान जो होता है उसकी प्रोग्रेस हम ये देखते हैं कि यदि यहाँ पर मीडिया सशक्त है, किसी बात को उठाया जाता है, तो वो जगह निश्चित रूप से डेवलप करती है और उसका विकास भी बहुत अच्छा होता है। यदि मीडिया स्ट्रांग नहीं होता है, जहां पर रिश्वतखोरी चलती है, पैसे लेके समाचार छापते हों, पेड न्यूज होती है और पेड न्यूज होती है, वो जगह हमेशा बर्बाद होती है, उस जगह का प्रोग्रेस नहीं हो पाती। क्यों? कि जो असली समाचार तो आ नहीं पाता और जो पैसे लेके समाचार लिखवाता वो आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कोटपुतली के अंदर ऐसी व्यवस्था अभी तक तो मैंने कहीं सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जागरूक जो पत्रकार हैं उनके बारे में जरूर कहूंगा कि समस्याएं उठाते हैं, लेकिन जो पुरजोर एक बार उठा दी उसके बाद दोबारा उसको पीछा नहीं करते हैं। तो समस्याओं को उठाने के बाद उनको लगातार हाईलाइट करते रहना चाहिए जब तक उसका समाधान नहीं हो जाए। और पब्लिक को चाहिए कि ऐसे मीडिया के साथ में, ऐसे पत्रकार के साथ में अपना सौहार्द रखें और अपने तन मन धन से जैसा भी उसकी सेवा हो सके उसके साथ तक करके उस कार्य को, उस समस्या को निपटान करना चाहिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1, 2, 3 सवाल से शुरू हुआ था और सवालों की झड़ी पे झड़ी लगती गई और उसका विभागी के साथ जवाब मिलता चला गया। क्यों ना हो, आप हमारे इतिहास पुरुष जो बन गए हैं। पिछले 7 दशक से ज्यादा का समय जिस व्यक्ति ने क्षेत्र को दिया हो वो अपनी बेबाकी के लिए स्वयं मशहूर हो जाया करता है। ऐसे ही हैं डॉक्टर के एम गुप्ता साहब, जो न केवल एक चिकित्सक हैं बल्कि यहाँ कोटपुतली विकास समिति के अंतर्गत आपने बहुत सारे सामाजिक कैंपों के जरिए इस क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान की है। और आज के इस कॉमर्शलाइजेशन के युग में जहाँ बिना फीस या बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए कोई डॉक्टर उसकी डॉक्टर की सीट के पास पेशेंट जा नहीं सकता, आज भी आप बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां आप मरीज को देख करके, उसकी आर्थिक स्थिति को देख करके और फिर उसे इलाज देते हैं। पैसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी आपने उसे समाज सेवा के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंदौरिया टाइम्स की पहली एनिवर्सरी में आप शामिल हुए। न केवल आपने इसका शुभारंभ किया बल्कि आज पुनः वापस आकर के आपने चैनल को आशीर्वाद प्रदान किया। आपका धन्यवाद।